हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आ गई है, बहुत ही लंबे इंतजार के बाद में भर्ती आई है। कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या प्रोसेस रहेगा, मेडिकल क्या होगा, रिटन का एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, पीटी पीएससी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आप भी यदि पहनना चाहते हैं बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ का भर्ती, बीएसएफ से जुड़ना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन डिटेल एडवर्टीजमेंट, इसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि वैकेंसी कौन कौन सी है। देखिए, इसमें एक तो कहार की वैकेंसी इसमें आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो हमारे जो मैट्रिक पास कैंडिडेट होते हैं, दसवीं पास कैंडिडेट्स जो कांस्टेबल जीडी के लिए तैयारी करते हैं लेकिन किसी वजह से जीडी में नहीं भर्ती हो पाते, या हमारे ट्रेड्समैन के साथ ही, अब इस बार से वो कहार की वैकेंसी इसमें नहीं है। क्यों नहीं है उसकी वजह बता देता हूँ कि कहार को किचन स्टाफ में शामिल कर दिया गया है, तो कहार का वैकेंसी अलग से आएगा। अब यहाँ पर वैकेंसी सबसे पहले तो देखिए, स्टाफ नर्स नॉन गजटेड ग्रुप बी पोस्ट है। अब कितना कितना वैकेंसी है, तो यूआर में 14 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, एससी 5, एसटी 2, ओबीसी का 13 है, टोटल 37 वैकेंसी है। एज 21 से 30 वर्ष है और ये उनका 1,12,400 यानी लेवल 6, 35,400 का पे स्केल जो है वो लागू होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम और रजिस्टर्ड एज जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए, डिजायरेबल है, जो कोई आपको अनिवार्य नहीं है कि एक्सपीरियंस हो, लेकिन यदि आपके पास में होता है तो आपको इसके साथ में शो करना है। एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, ईएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन का यदि आपने कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा देखिए 10+2 विद साइंस और इट्स इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा। ओटी टेक्नीशियन का सिर्फ एक ही वैकेंसी है, ये वैकेंसी एक्चुअली ओबीसी का है, तो हमारे यूआर के ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के जो साथी हैं वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो ही आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो आईयूसीओ में छूट लेते हैं या नहीं लेते हैं। यदि आप ओबीसी सर्टिफिकेट है आपके पास में नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरे कैंडिडेट्स यदि आवेदन करेंगे तो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए वो इसमें आवेदन ना करें। ईएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन, देखिए लैब टेक्नीशियन 10+2 विद साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसके साथ यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर कितना कितना वैकेंसी है, तो यहाँ पर यूआर का 12 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, एसटी एससी के 4 वैकेंसी है, एसटी का 2 है और ओबीसी का 7 है। इसमें सभी कैटेगरीज आवेदन कर सकती हैं, टोटल 28 वैकेंसी हो जाती है। वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, अब इसमें देखिए डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी का जो डिप्लोमा है, कोर्स है, वो आपके पास में किया होना चाहिए, तब आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल आया, इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, तो इसमें जनरल कैटेगरी के 2 पोस्ट हैं, उसके बाद में एसटी के 2 हैं और 5 ओबीसी के हैं, 9 टोटल वैकेंसी होती है। कुछ हमारे साथी जो हैं वो इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, वो कहते हैं कि ये वैकेंसी का डिटेलमेंट इस तरीके से कैसे हुआ, तो ये बता देता हूँ आपको कि ये बैकलॉग वैकेंसी की वजह से ओबीसी की वैकेंसी ज़्यादा है। 18 से 23 वर्ष है, इसमें वही ट्रेड्समैन और कांस्टेबल जीडी का जो आयु सीमा होती है वही है, पे स्केल लेवल 3 है, 21,769,100 वाला। अब इसमें योग्यताएं क्या है, सबसे ज़्यादा देखिए हमारे जो साथी हैं वो इस कैटेगरी में, पास इन मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड, 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। देखिए आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए, इसके साथ में जो दूसरी क्वालिफिकेशन है उसमें 3 तरह के टोटल क्वालिफिकेशन है,
पहली तो है आपके पास में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी हॉस्पिटल का वार्ड बॉय वार्ड गर्ल या आया के रूप में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा है, यदि ये नहीं है तो 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड ITI, देखिए वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल के आया के इनके वोकेशनल इंस्टीट्यूट के कोर्स होते हैं, उसमें 1 ईयर का आपके पास में कोर्स हो और 1 ईयर एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा, यदि ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास में 2 ईयर्स का कंप्लीट कोर्स आपके पास में होना चाहिए। अब यहाँ पर कहा है कि मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, जो वार्ड बॉय का ट्रेड टेस्ट होगा वो भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा वो आगे कि आपको ट्रेड टेस्ट का प्रैक्टिस हमारे सेंटर पर भी होता है, हमारा जो मेडिकल सेंटर है उस पर हम वार्ड बॉय वार्ड गर्ल आया इनके जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपके ट्रेड होते हैं उनकी प्रैक्टिस हम करवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है वो बताते हैं वीडियो में। वेटनरी स्टाफ, देखिए वेटनरी स्टाफ जो है उसमें टोटल 20 वैकेंसी है, ये हेड कांस्टेबल वेटनरी ग्रुप सी पोस्ट है। जनरल के लिए UR का 9 है, EWS का 2 है, SC का 3 है, ST का 2 है और 4 वैकेंसी OBC की है, टोटल वैकेंसी हो जाती है यहाँ पे 20। अब इसमें कौन सा है, इसमें 12th पास फ्रॉम ए रिकग्नाइज बोर्ड पजेसिंग मिनिमम 1 ईयर कोर्स इन वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट, जो LSA का कोर्स होता है 1 ईयर का, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी आपका कोर्स जो है वो अभी से यदि आप देखते हैं तो आपका 1 ईयर से ज़्यादा की अवधि आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपका 1 साल का कोर्स करने के बाद में आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोर्स करने के बाद जब आप फॉर्म फिल करते हैं या लास्ट डेट फॉर्म की होती है तब तक, अब लास्ट डेट कब है इसमें, लास्ट डेट है इसमें 26 जुलाई 2021। तो 26 जुलाई 2021 है, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले 1 ईयर यानी कि आपका 27 जुलाई 2020 तक कम से कम आपका जो है एग्ज़ाम आपका लग चुका हो, आपका क्वालिफिकेशन आपका रिजल्ट निकल गया हो 1 ईयर का, जो जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट का पशुपालन का जो डिप्लोमा जिसको बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग नाम हैं, तो वो आपके पास होता है तभी आपका एक्सपीरियंस बनेगा और आपका आपको अप्लाई करना है। पूरी शर्तें पढ़ने के बाद में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि CRPF पैरामेडिकल स्टाफ में ऐसा ही हुआ था, कुछ हमारे साथी जो फिजिकल कर लिए उसके बाद में उनके पास रिजेक्शन लेटर आ गए कि आपकी एज कम रह गई, आपका क्वालिफिकेशन कम रह गया, आपका एक्सपीरियंस कम रह गया। तो ऐसा आपके साथ इसमें नहीं हो जाए। कांस्टेबल कैनलमैन, कांस्टेबल कैनलमैन का कितना वैकेंसी है, टोटल 15 है, UR का 9 है, EWS का 1 है, SC का 1 है, ST का 3 है और OBC का 1 है। अब कांस्टेबल कैनलमैन में देखिए 10th क्लास पास होना चाहिए, इसके साथ ही 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी और वेटनरी कॉलेज और गवर्नमेंट फार्म। अब इसमें जो है आपका जो प्राइवेट की जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर नहीं चलेंगे, आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वैकेंसी जो है वो चेंज हो सकती हैं, पूरा दिया है, पूरा डिटेल जो है वो www.bsf.in पर आपको लॉगिन करके वहाँ पे आपको फिल करना है। 10% वैकेंसी जो है वो इसी में शामिल है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए, वो लोग नहीं आते हैं तो किसको दे दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी जो है संबंधित कैटेगरी में ओपन कैंडिडेट्स जो हैं उनको दे दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो नियमानुसार है वो भी है इसमें। अब सर्टिफिकेट्स के बारे में पूरा बताया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो SI स्टाफ नर्स, ASI OT, ASI लैब टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल वेटनरी, कांस्टेबल कैनलमैन, इनके लिए सबके लिए कितना है, 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 है। चेस्ट के बारे में बताया गया है 76 से 81 होना चाहिए। कांस्टेबल वार्ड बॉय वार्ड गर्ल के लिए ट्रेड्समैन वाला हाइट है 167.5 है और 157 है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं डिटेल। अब रिलैक्सेशन जो है इन हाइट एंड चेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल वार्ड बॉय वार्ड गर्ल आया ओनली, उसमें हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन दिया है तो वो किसको दिया है वो भी पूरा डिटेल दिया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको दिया है, उनका जो
गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखाज, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जो उनको यूटी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है उनको भी 165 सेंटीमीटर किया गया है उनके लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आईज का ठीक है आपका 6x6 और 6x9 होना चाहिए, और लेकिन सीपी कलर परसेप्शन यहाँ पे 3 होना चाहिए, इशारिया कलर विजन टेस्ट, नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट स्क्विंट। तो उसके लिए हम आपको देखिए एडवाइस करते हैं कि आपकी पहली भर्ती है तो आप आवेदन से पहले एक बार अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप जरूर देखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और आपका सारा जो ये मेहनत है ये जाया हो जाए। वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज होना चाहिए। टैटू लोकेशन साइज उसके बारे में बताया गया है, टैटू यदि आपका बॉडी पर होता है तो उसको हम रिमूव करवाने की सलाह देते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन, अब कौन आवेदन नहीं कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन। अब इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ, जो हमारे SSC GD के जो साथी हैं वो उनका मन नहीं लगता ट्रेनिंग में, और वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं बिना बताए यहाँ से चला जाऊँ, मैं रात को यहाँ से चला जाऊँ, मैं डॉक्यूमेंट्स दूसरे बनवा लूँगा लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। उनको मैं एक चीज़ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप बिना बताए वहाँ से चले जाते हैं तो आपका क्या नुकसान होता है। देखिए कौन आवेदन नहीं कर सकता, नो पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग, जिसने जीवित पत्नी या पति के रहते हुए दूसरा विवाह किया है, या जिसका खुद का जीवित पत्नी या कोई दूसरे के साथ विवाह ऐसा करता है जिसकी जीवित पत्नी या पति है पहले से, इस तरीके से ये ए और बी हो गया। और यहाँ पे दूसरा कहा है कि इसमें भी छूट दी गई है कि किसी प्रकार के कानून में कोई छूट दी गई हो। कन्विक्टेड बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ, देखिए किसी प्रकार की दोष सिद्धि यदि किसी भी न्यायालय के द्वारा की जाती है तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस जो है वो बहुत बड़ी वादा है, और टर्मिनेशन फ्रॉम BSF ड्यूरिंग प्रोबेशन। तो ये हमारे SSC GD के जो साथी हैं इन पर देखिए ये दो पॉइंट जो हैं ये विशेष रूप से लागू होते हैं, कि जो ये कहते हैं कि मेरा ट्रेनिंग में मन नहीं लग रहा, मुझे छोड़ के जाना है ये, लेकिन मैं पेमेंट पे नहीं कर सकता, मैं ट्रेनिंग चार्जेस पे नहीं कर सकता तो मैं कैसे जाऊँ। तो ट्रेनिंग चार्ज पे करके ही जाना दोस्तों, यदि वहाँ से बिना ट्रेनिंग चार्ज पे किए हुए जाएंगे तो इन दोनों में से कोई सी कैटेगरी में आप आ सकते हैं कि आप लीव लेके चले जाते हैं वापस नहीं आते हैं डिसमिसल हो जाएगा, आप बिना छुट्टी लिए हुए रात को भाग जाते हैं तो भी डिसमिसल हो जाएगा, तो उससे बचना। सेलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सेलेक्शन प्रोसीजर देखिए सबसे पहले इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, OMR आंसर शीट पे आपको 100 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा। उसमें क्वालिफाइंग क्या होगा, तो क्वालिफाइंग होगा जनरल OBC और EWS के लिए 45% और SC ST के लिए 40%। अब इसमें सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में स्टाफ नर्स के लिए जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये भी 25 मार्क्स है, प्रोफेशनल में मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग केयर ऑफ पर्संस, प्रेगनेंसी एंड लेबर, मिडवाइफरी ये 50 का है, टोटल 100 मार्क्स हो गए। इसी तरीके से OT टेक्नीशियन का आप देख सकते हैं, इसका पूरा PDF आपको चाहिए, PDF आप एक व्हाट्सएप, हमें नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप एक BSF पैरामेडिकल आपको क्या लिखना है वो भी बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे PDF हमारे पास मैसेज आते हैं, BSF पैरामेडिकल, BSF पैरामेडिकल PDF आप लिख कर एक मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल PDF मिल जाएगा। कांस्टेबल, वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल आया का जो सिलेबस है वो क्या है, देखिए जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल सैनिटेशन ये 25 मार्क्स का है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये भी 25 मार्क्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 मार्क्स है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज टेस्ट ये 25, यानी SSC GD वाला जो सिलेबस है वही है, सिर्फ उसमें GK का जो पार्ट है उसमें एनवायरमेंटल सैनिटेशन यानी कि स्वीपर का जो CRPF पैरामेडिकल का कोर्स है उसमें से कुछ सैनिटेशन डाल दिया है।
100 का आपका एग्जाम इस तरीके से होगा। हेड कांस्टेबल वेटनरी, देखिए हेड कांस्टेबल वेटनरी में लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका 10 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश, यानी आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई ऑप्ट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 10 मार्क्स का होगा। सिंपल रीजनिंग ये 50 मार्क्स के आपके होंगे। जनरल कॉम्पिटेटिव सिलेबस, जनरल कॉम्पिटेटिव सब्जेक्ट्स हैं वो होंगे 50 के। और प्रोफेशनल कोर्स में वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट का होगा आपका नॉलेज ऑफ वेट मेडिसिन एंड देयर यूज, नॉलेज ऑफ वेट इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज, जनरल नॉलेज ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट एंड एनाटॉमी ऑफ हॉर्सेस डॉग एंड कैमल्स, उसका आपको, यानी आपको फोर्स में हॉर्स डॉग और कैमल ही तीन मुख्य रूप से वहाँ पे जो है एनिमल है, तो उसका आपको पूरा अच्छा तैयारी रखना है। कांस्टेबल केनलमैन में किस प्रकार का सिलेबस होगा, तो लैंग्वेज टेस्ट 10 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, करंट अवेयरनेस 10 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सिंपल रीजनिंग और ट्रेड नॉलेज टेस्ट। ट्रेड में आपको क्या पढ़ना है उसमें आपको कैटल, इक्विनी, डॉग, कैमल, पोल्ट्री, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल होना चाहिए 50 नंबर का। तो ये इसको आपको अलग से बुक्स आपका लेना होगा। और सेकंड फेज में क्या होगा, तो सेकंड फेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि जो क्वालिफाई करेंगे उनका सेकंड टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑल पोस्ट के लिए क्या है, रन होगा आपका 1600 मेल के लिए 7 मिनट में और फीमेल के लिए 5 मिनट में। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट और फीमेल के लिए 8 फीट, हाई जंप 3.5 फीट और 2.5 फीट फीमेल के लिए। ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। डॉक्यूमेंटेशन, एज, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब पूरा बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन में कहा है कि जो रिटन एग्जामिनेशन को पास करेंगे, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्लियर हो जाता है, उनका मेडिकल टेस्ट होगा। और मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं 15 डेज में। अब देखिए इसमें जो है अभी जो नया नियम की बात नहीं की गई है, जो 30 मई का जो इसमें अभी री मेडिकल अपील, पुराना प्रोसीजर ही बताया गया है, वो हो सकता है जब तक आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है या मेडिकल आपका आता है तब तक इसमें संशोधन हो जाए, क्योंकि आईटीबीपी ने ऐसा संशोधन लागू कर दिया है। अब अप्लाई कैसे करना है आपको, देखिए अप्लाई स्टार्ट हो गया है। अप्लाई करने के लिए आपको बीएसएफ का वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन मोड पर ही अप्लाई होगा। और इसमें फैसिलिटी ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन हो चुकी है, कहाँ पे, www.bsf.gov.in 27 जून 2021 से स्टार्ट हो गया है। और क्लोज कब होगा, 26 जुलाई 2021 रात को 12 बजे ये क्लोज हो जाएगा 11:59 पे। और फीस कितना है आपका, तो फीस देखिए इसमें ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 है और ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका 100 है। वार्ड बॉय वार्ड गर्ल आया के लिए आपका 100 है। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए भी 100 है। अब कैसे पे होगा उसके बारे में बताया गया है। और वुमेन कैंडिडेट्स, एससी एसटी और बीएसएफ सर्विंग पर्सनल, अब इसमें जो बीएसएफ में हमारे वर्किंग हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और एक्स सर्विसमैन उनके लिए फीस नहीं है। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। सेंटर कौन कौन सा है, सेंटर इनमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो श्रीनगर, जम्मू, जलंधर, गांधीनगर, जोधपुर, कदमतला, कोलकाता, सिलचर, शिलोंग, अगरतला, हजारीबाग, इंदौर, दिल्ली, बेंगलुरु और टेकनपुर, ये सेंटर्स हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अब इंस्ट्रक्शंस में आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको डिटेल पढ़ना है कि आपके पास में सर्टिफिकेट योग्यता के पूरे होने चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका पूरा होना चाहिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो एज रिलैक्सेशन जो लेना चाह रहे हैं वो प्रॉपर चैनल से आवेदन करें। जो हमारे बीएसएफ के जो सर्विंग पर्सनल हैं वो भी प्रॉपर चैनल से अपना यूनिट के थ्रू उनको आवेदन करना है।
इसके साथ ये भी बताया गया है कि प्रिंट आउट किसी भी प्रकार का आपको बीएसएफ के सेंटर पे प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपका आवेदन हो गया। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड और उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। आगे के जो आपके बीएसएफ के फॉर्म होंगे वो भी आप इसी से आवेदन कर सकेंगे। एनओसी के लिए बताया गया है एप्लीकेशंस विथ एलिजिबल ब्लर्ड फोटोग्राफ सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, तो वो भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका सिग्नेचर बिल्कुल लिजिबल होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए, फोटोग्राफ आपका बहुत सही होना चाहिए। क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपको आवेदन करना है और एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल एड्रेस और एसएमएस फॉर कॉल लेटर्स एडमिट कार्ड्स थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर अपियरिंग इन द फर्स्ट फेज। आपके कॉल लेटर्स कैसे आएंगे उसके बारे में यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया गया है कि कॉल लेटर्स आपके ऑनलाइन मोड में ही आएंगे, किसी प्रकार का ऑफलाइन कॉल आपको नहीं मिलेगा। और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं हैं, तो वो भी विशेष ध्यान रखना है। और ट्रेनिंग जो सिलेक्शन के बाद में भी जो हमारे साथी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उनको आउट कर दिया जाएगा, सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट हो जाएंगी, ये भी विशेष ध्यान रखना है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर्स में अलाउ नहीं होगा। रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया बेसिस है, ये वैकेंसीज स्टेट वाइज नहीं है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न बाई द बीएसएफ एक्ट एंड रूल्स, बीएसएफ एक्ट एंड वो सब आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। न्यू रेस्ट्रिक्टेड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो कि 1 जनवरी 2004 से लागू है उसके बारे में बताया गया है। एक सेंटर पर ही आपको उपस्थित होने का आपको अवसर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ हमारे साथी जो हैं वो ये कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कांस्टेबल वार्ड बॉय और कांस्टेबल कैनल मैन दोनों में आवेदन करना चाहते हैं। तो आप कांस्टेबल वार्ड बॉय, कांस्टेबल कैनल मैन दोनों में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वेटनरी का जो दोनों हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल है वो दोनों अलग पोस्ट है। वो इसके अलावा एडवर्टीजमेंट की जो शर्तें हैं उसमें चेंज करने का अधिकार डिपार्टमेंट के पास में है, उसके बारे में बताया गया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट बीएसएफ वेबसाइट www.bsf.gov.in फ्रॉम टाइम टू टाइम टू नो लेटेस्ट अपडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एन एम्प्लॉय सर्विंग इन द सेम रैंक एंड पे ग्रेड विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर सेट पोस्ट। अब देखिए कुछ हमारे जो कॉन्स्टेबल जीडी में जो हमारे काम कर रहे हैं साथी या कांस्टेबल ट्रेड्समैन में बीएसएफ में जो भर्ती हुए थे उन्होंने ये जानना चाहा था कि क्या वो लोग वार्ड बॉय में आवेदन कर सकते हैं, वो वार्ड बॉय में आवेदन नहीं कर सकते, उनको परमिशन नहीं मिलेगा, यानी उनका टेक्निकल रेजिग्नेशन उनका नहीं होगा। जो कांस्टेबल में है वो कांस्टेबल में आवेदन नहीं कर सकता, सेम रैंक के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, जो कांस्टेबल जीडी में है या कांस्टेबल ट्रेड्समैन में है, यदि उनके पास में वेटनरी असिस्टेंट का डिप्लोमा है, उनके पास में कोर्स है या DMLT है, या उनके पास में OT टेक्नीशियन है, या वो स्टाफ नर्स का कोर्स उन्होंने किया हुआ है, तो वो लोग अपना यूनिट के थ्रू आवेदन कर सकते हैं, उनका टेक्निकल रेजिग्नेशन हो जाएगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब है कि उनको ट्रेनिंग पोस्ट पे करने की जरूरत नहीं होगी और उनका जो पुराना सर्विस है वो भी काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे दोस्त पहले से कर रहे हैं, चाहे वो कुक में हैं, वाटर कैरियर में हैं या जीडी में हैं, तो वो यहाँ पे वार्ड बॉय के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले हुआ था यही बीएसएफ में कि एक कैंडिडेट पहले जब भर्ती आती है तो स्वीपर में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद अगले साल भर्ती आती है तो उस समय कहार भी ट्रेड्समैन में ही वैकेंसी आती थी, तो फिर से आवेदन किया और कहार में भर्ती हो गए और अपना पुराना यूनिट से छुट्टी लिया, वहाँ से छुट्टी लेके आए और वापस नहीं लौटे, दूसरा यूनिट में बीएसएफ में ही ज्वाइन कर लिए,
कहार में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब बीएसएफ ने इंक्वायरी करवाया, जब नहीं लौटे तो पुलिस के थ्रू उनका एप्रीहेंशन रोल आ जाता है, और एप्रीहेंशन रोल में पता चलता है कि ये तो बीएसएफ में ही कहार में सेलेक्ट हो रखे हैं। और परेशानी ऐसी होती है कि दोनों से ही डिसमिस हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर 2 साल तक वो मैटर उनका पेंडिंग रहता है, और वो उनको माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश, उनके रिट पिटीशन अलाउ करते हुए उनको जो कहार का जॉब है वो मिल जाता है, कहार की वर्दी उनको मिल जाती है। लेकिन वो सब हो गया ठीक है, लेकिन अब ऐसा काम नहीं करना है अब, वरना आप परेशानी में पड़ जाएंगे। मिसकंडक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या एक्शन है वो सब बताया गया है। वो ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, एक तो देखिए यहाँ पे मेकिंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट और फॉल्स और सप्रेसिंग मेटेरियल इन्फॉर्मेशन और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स और विच हैव बीन टेम्पर्ड, किसी प्रकार का जाली डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप पहनना चाहते हैं बीएसएफ का वर्दी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ में जुड़ना चाहते हैं, प्रहरी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पूरी ताकत पूरी शिद्दत से अब इस भर्ती के लिए तैयारी में जुट जाइए। सबसे पहले अपना मेडिकल, उसके बाद में अपनी योग्यताएं, वो सब चेक करें और उसके बाद आवेदन करना है। ऐसा नहीं हो कि आप अभी आवेदन कर दें और उसके बाद आपको पता चले कि आपकी तो योग्यता ही पूरी नहीं है। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं है, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।